मुंबई ब्लास्ट केस के दोषी याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी। मुंबई की टाटा कोर्ट ने मेमन की फांसी का वारंट जारी कर दिया है। 30 जुलाई को नागपुर में याकूब को फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारी चल रही है। हिंदुस्तान में सबसे बड़े धमाके की साजिश रचने वाला दाऊद के इशारे पर मुंबई को दहलाने वाला मुंबई धमाकों के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन की फांसी की तारीख मुकर्रर हो गई है। याकूब को 30 जुलाई को सुबह 7 बजे नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी जाएगी। मुंबई के टाटा कोर्ट ने याकूब को फांसी पर लटकाने का वारंट जारी कर दिया है। फांसी के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में तैयारियां शुरू कर दी गई है। 1993 के ब्लास्ट केस में 22 साल बाद किसी दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने याकूब को फांसी के फंदे पर लटकाने के आदेश जारी कर दिए हैं और इसकी सूचना नागपुर सेंट्रल जेल के साथ साथ नागपुर जिला प्रशासन को भी दी गई है। मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उस फैसले के अनुरूप राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं उसका पूरा पालन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा और उचित समय पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी कैदी को फांसी के फंदे पर लटकाने से 15 दिन पहले घरवालों को जानकारी देनी पड़ती है। महाराष्ट्र सरकार ने याकूब के घरवालों को खबर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट याकूब मेमन को मुंबई की टाटा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। 2007 में फांसी की सजा के खिलाफ याकूब मेमन ने बॉम्बे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक इस सजा के खिलाफ अपील की, लेकिन याकूब मेमन को कहीं से भी राहत नहीं मिली। याकूब ने अपने बड़े भाई टाइगर मेमन के साथ मिलकर मुंबई को दहलाने की साजिश रची थी। याकूब पर धमाके में शामिल लोगों को माहिम का अपना फ्लैट देने का आरोप साबित हुआ है। याकूब ने बम प्लांट करने वाले लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, अपने फैमिली मेंबर्स को धमाके से ठीक पहले दुबई भेजा था। सीरियल ब्लास्ट के लिए पैसे का इंतजाम भी याकूब ने ही किया था। याकूब पर पाकिस्तान से आए डेटोनेटर्स और हैंड ग्रेनेड को अपने पास रखने का आरोप भी साबित हुआ है। जांच के दौरान पता चला है कि याकूब ने धमाके के लिए इस्तेमाल गाड़ियों को खरीदने में भी मदद की थी। धमाके के बाद याकूब फरार हो गया था। 5 अगस्त 1994 को याकूब को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। याकूब की फांसी की तारीख तय होने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। इतने महीने साल रुक गए हैं आप और 21 तारीख को उच्चतम न्यायालय के सामने उसकी मैटर आ रही है, तो आप 22 तक रुकते, उसके बाद जो भी करना था करते। एक लोगों के दिमाग में शक पैदा होता है सरकार के प्रति। याकूब मेमन की पूरी चार्जशीट हमने पढ़ा है, मैं भी उस केस में था। याकूब मेमन खुद सरेंडर हुआ है, उसने अपनी गलती माना है कि मैं अपने भाई के साथ चला गया था, मैं वापस आ रहा हूँ। CBI से बातचीत हुई थी, लेकिन CBI के लोगों ने लाने के बाद उसे ये दिखाया कि उसको दिल्ली में पकड़ा गया, उसके साथ नाइंसाफी हुई, उसके केस को सही तरीके से नहीं दिखाया गया और उसको जबरदस्ती का बहुत बड़ा गुनाहगार बनाया गया। फांसी से राहत के लिए याकूब मेमन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया है। इस याचिका पर 30 जुलाई से पहले सुनवाई हो सकती है।